अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सबसे पहले मैंने लिए हैं प्याज। प्याज को मैंने जग में डाल लिया है। उसके बाद मैंने एक टमाटर लिया था, उसको भी जग में डाल लिया है। अब मैं इसको ब्लेंड करूंगी अच्छी तरह से ताकि इसका पेस्ट बन जाए हमारे पास। अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुका है। सबसे पहले मैंने इसके अंदर ऑयल डाला था 3 चम्मच। उसके बाद मैंने इसके अंदर लहसुन डाला और उसके बाद मैंने अनियन और टमाटो का जो पेस्ट बनाया था वो डाल दिया। अब मैं इसको फ्राई होने दूंगी 5 मिनट के लिए आहिस्ता चूल्हे पर ताकि इसका कलर चेंज ना हो और ये ज़्यादा ब्राउन कलर का ना हो। उसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी चिकन। 1/2 किलो चिकन लिया था मैंने, वो डाल दूंगी इसके अंदर और इसके अंदर इसको फ्राई करूंगी। अब हम डालेंगे इसके अंदर 1/2 किलो दही। दही डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 चम्मच डाली है मैंने काली मिर्च। एक चम्मच मैंने डाला है नमक। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसके अंदर फ्रेश क्रीम मलाई। मलाई डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और पकाएंगे 5 मिनट के लिए और उसके बाद हमारी वाइट चिकन कढ़ाई तैयार है। इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।